रविवार को आमतौर पर समूचा प्रशासन अवकाश पर होता है। अफसर तो छोड़िए, कर्मचारी तक नहीं मिलते फोन पर। ऐसे में जिले के पुलिस कप्तान तुषारकांत विद्यार्थी रात को 9:30 बजे करीब मूलचंद मार्ग पर पहुंचते हैं। उनकी नीली लाल बत्ती की गाड़ी जैसे ही वहां पहुंचती है, हड़कंप मच जाता है। यहां एसपी साहब गाड़ी से उतरते हैं और वहां स्थित बोहरा सराय में जैनबाई नामक बोहरा महिला के घर जाते हैं। सबको हैरत होती है, एसपी साहब यहां क्यों आए। दरवाजा खटखटाते हैं और जैसे ही जैनबाई बाहर आती है, उन्हें वे फूलों का गुलदस्ता देकर बर्थडे विश करते हैं। परेशानी फील मत करो, है ना। और मेरा नंबर भी लिख लीजिए, कभी कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। आपको कोई परेशानी होती है ना, मेरा नंबर भी नोट कर लो आप लोग। बच्चों को आप स्कूल भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो? हाँ, बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। और आप लोग बच्चों, दोनों बच्चे खूब पढ़ाई करना। देखो आपके क्या रिश्ता में क्या लगा एग्जैक्टली, बुआ ही आपकी बुआ लोग आपकी रिश्ता कर रहे हैं, तो आपको भी अच्छा नाम करना है ना, अच्छा नाम रोशन करना। अच्छा पढ़ाई करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। आप उनके घर में मौजूद उनकी बेटियों को टॉफी देते हैं। उसके बाद वे वहीं जाजम पर बैठ जाते हैं और पूरे परिवार का हाल जानते हैं। उनके साथ मौजूद डॉक्टर अशोक जैन से जैनब बाई का हेल्थ चेकअप करवाते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं और कहते हैं कभी मुश्किल हो तो सीधे फोन करिए। ये नज़ारा देखने भीड़ जमा हो जाती है। देखिए, जैसा आपको विदित है कि हमने नीमच शहर में सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनके बच्चे उनके साथ में नहीं है, वो या तो अब्रॉड में है या फिर किसी दूसरे ज़िलों में है या फिर निसंतान है, ऐसे लोगों को फोकस करके लगातार उनको तमाम अवसरों पर हम लोग विश करते हैं, उनकी समस्याएं पूछते हैं और उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज मैं यहाँ पर जनजन विश करने आया था। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अशोक जैन भी साथ में हैं। हमने उनका मेडिकल चेकअप भी किया है, उनकी समस्याएं भी जानी है और उनके ब्रदर की दो बच्चियां जिनको ये महिलाएं पढ़ा रही हैं उनसे भी हमने बातचीत करी है और इनको आगे बढ़ने में जो भी समस्या आएंगी उसका निराकरण किया जाएगा। जन सहयोग से इनको बेहतर शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी और जो भी समस्या और भी आएंगी उसका भी निराकरण। एसपी नीमच के इस अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है। वे कमोबेश हर दिन किसी बुजुर्ग को बर्थडे विश करते हैं और उनकी खैरियत जानते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं और कहते हैं मुश्किल वक्त में मुझे जरूर याद करें। आज के इस भगम भग जिंदगी में जहां किसी को किसी से मिलने का समय नहीं है, ऐसे में नीमच एसपी के आस्था अभियान के तहत लोगों को नया जीवन मिलाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुस्ताक अली शाह की रिपोर्ट।